फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आप लोगों के लिए मीठे कचौरी की रेसिपी लेकर आए हैं। आपने मीठे समोसे बहुत खाए होंगे पर आपने मीठी कचौरी नहीं खाई होगी, इसे हम पूरन कचौरी बोलते हैं। और अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। चलिए हम बनाते हैं। ये हमने एक कप मैदा लिया है जिसमें हमने 2 से 3 चम्मच तेल डाला है मोयन के लिए। साथ ही में हम इसमें नमक डाल देंगे, लेकिन नमक हमें बहुत कम डालना है क्योंकि हम मीठी कचौरी बना रहे हैं, इसलिए बिल्कुल थोड़ा ही नमक डालें आप इसमें और इसे अच्छे से मिक्स कर दें। और हाथ में जब आप बांध के देखें तो इस तरह की मुट्ठी बनना चाहिए और ये एकदम से खुल जाना चाहिए, मतलब आपका मोयन एकदम सही है कचौरी के लिए। अब हम पानी की सहायता से आटा लगा लेते हैं। हमें एकदम नरम आटा नहीं गूंदना है, हमें पूड़ी के लिए जैसे आटा गूंदते हैं हम, उस तरह का आटा हमें लगाना है। ये देखिए मैंने आटा लगा के तैयार कर दिया। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने रख देते हैं और हम चाशनी बना लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए हम एक पैन रख देंगे, उसमें हम अगर 1 कटोरी चीनी ले रहे हैं तो 1/2 कटोरी पानी डालेंगे। 1/2 कटोरी पानी और 1 कप चीनी डाल के हमें इसकी एक तार की चाशनी बनानी है। अगर आप पानी ज़्यादा डाल देंगे तो चाशनी बनने में बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए आप कम पानी डालें तो चाशनी जल्दी बन जाएगी। इसे हम हिला देते हैं। ये देखिए चाशनी बनने लगी है, उबलने लगी है ये, और ये एक तार की चाशनी आप गिरा के देख लें, इस तरह की गाढ़ी चाशनी होना चाहिए। साथ ही में हम चने की दाल ले लेते हैं। ये चने की दाल है, ये मैंने रात में भिगो ली थी और उबाल लिया था इसको। अगर आप 1 कटोरी चने की दाल ले रहे हैं तो 1/2 कटोरी शक्कर लें। ये मावा या मलई आप जो चाहे वो ले सकते हैं। घी है, इलायची पाउडर है, ये बादाम, काजू, पिस्ता और हमने खाने वाला पीला रंग लिया है। अब हम पैन चढ़ाएंगे, कढ़ाई में हम थोड़ा घी डाल देंगे। ये हमने 2 चम्मच घी डाला है, 2 से 3 चम्मच आप घी डाल लें और इसे थोड़ा गर्म होने दें। और जो हमने दाल उबाल के रखी थी, गला के और उबाल के जो हमने रख ली थी चने की दाल, उसे हम इसमें थोड़ी देर भून लेंगे। ये कुछ इस तरह की हो जाए। ये देखिए अब हम इसमें चीनी डाल देते हैं। ये पैन से चिपकने लगी है थोड़ी, इसलिए हम इसमें शक्कर डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें इलायची पाउडर भी डाल देंगे, 1/2 छोटा चम्मच हमें इलायची पाउडर लिया है। साथ ही में हमें जो पीला कलर लिया था, खाने वाला पीला रंग, वो डाल देंगे हम 1 से 2 चुटकी, इतना काफ़ी है कलर इसमें। और जो हमने मावा लिया था वो भी हम इसमें डाल देंगे और इसे हमें अच्छे से भूनना है जब तक ये बिल्कुल तले को छोड़ ना दे। ये देखिए इसे आप पकाते जाएं, इसमें दाल का कच्चापन नहीं आना चाहिए, इतने अच्छे से भून जाए ये। इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और ये थोड़ा और गाढ़ा हो जाएगा। ये देखिए अभी पैन से चिपक नहीं रहा है ये और ये गाढ़ा भी हो गया है, इसे हम थोड़ी सी देर और पकने देंगे। हम इसमें जो हमने ड्राई फ्रूट लिए थे, काजू, बादाम, किशमिश, पिस्ता सॉरी, वो भी हम इसमें डाल देंगे। आप चाहे तो इसमें खोपरे का बूरा भी डाल सकते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम गैस बंद कर देंगे क्योंकि ये बन के तैयार है और इसे हमें ठंडा होने देना है। ठंडा हो जाए मसाला जब तक हम चाशनी में इलायची पाउडर डाल देते हैं। जो हमने चाशनी बना के रखी थी ये भी थोड़ी ठंडी हो गई है, इसमें हम इलायची पाउडर डाल के मिक्स करके रख देंगे। हम कचौरी बना लेंगे। देखिए मसाला भी एकदम ठंडा हो गया है और इस तरह की मसाला होना चाहिए तैयार। अब हम एक लोई ले लेते हैं। मैं इस लोई को आप अच्छे से हाथ से मसल के गोल कर लें। इसे हमें बेलना है। पूड़ी के आकार का इसे बेल लें। अब हम इसमें मसाला भर लेंगे जो हमने मीठा मसाला बनाया है। अब इसे हमें बंद करना है। पोटली के आकार में आप इसे पैक करते जाएं।
मसाले को अंदर की तरफ करते जाएं। इस तरह से कुकली बन जाएगी। और इस तरह से आप हाथ को अंगुली और अंगूठे के बीच में लेके इसको दबाते जाएं ताकि अंदर से अच्छे से चिपक जाएगी और ये कचौरी फटेगी नहीं। और जो ऊपर का हिस्सा है इसे आप निकाल दीजिए। देखिए आटा बिल्कुल चिपक गया है अंदर का, ये बिल्कुल भी नहीं खुलेगा कढ़ाई में जाके। और इसे आप थोड़ा चपटा कर लें, आप चाहे तो इस पर बेलन चला सकते हैं थोड़ा सा, और चाहे तो हाथ से भी इस तरह से भी आप इसे फैला सकते हैं। ये बन के तैयार है। अब हम घी रख देते हैं गर्म करने। ये घी अच्छे से गर्म हो गया है। हमें घी को बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं करना है, सिर्फ इतना हल्का कुनकुना तेल या घी में ही कचौड़ियाँ और समोसे बनाए जाते हैं। जब तेल हल्का गर्म हो तभी आप इसमें डाल दें और इसे बिल्कुल धीमी धीमी आँच पे होने दें ब्राउन। जब कचौड़ियाँ थोड़ी सी नीचे से कलर आने लगता है तो कचौड़ियाँ तले पर तैरने लगती हैं, मतलब आपकी कचौड़ी एकदम हल्की और अच्छी बनी है। ये भी तली पर आ गई है घी की, ये तैरने लगी है। और जब तक इसके नीचे का कलर चेंज नहीं होता हम इसे पलटेंगे नहीं। जैसे ही कलर नीचे का हल्का सा चेंज होगा तब हम इसे पलट देंगे। देखिए हम इसे पलट देते हैं और ये कचौड़ी अच्छी फूल भी गई है। अब दोनों तरफ से हम इसे सेक लेंगे इसी कलर में और इसे हम निकाल लेंगे। ये देखिए कचौड़ी बन के तैयार है। उसी तरह से हम सारी कचौड़ियाँ बना लेंगे बाकी भी। इस कचौड़ी को निकाल के आप थोड़ा ठंडा कर लें। ये देखिए कचौड़ी थोड़ी सी ठंडी हो गई है और बहुत अच्छी बनी है। अब हम इसे चाशनी में डाल देंगे और इस पर हमें चाशनी की कोटिंग करना है ताकि एक परत आ जाए इस पर चाशनी की। ये देखिए बन के तैयार है और ये बहुत टेस्टी। आप चाहे तो इसमें सिल्वर वर्क लगा सकते हैं, चांदी का वर्क लगा सकते हैं, ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं और ये बन के एकदम तैयार है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें और अगर पसंद आए तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।